आफ्टरनून एवरीवन, रफ्तार अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियांशु सौरभ। आज का मैच 7:30 बजे जयपुर के स्वाभिमान स्टेडियम में होने वाला है, जो कि काफी दिलचस्प होगा। यह मुकाबला गुजरात और राजस्थान के बीच होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं इस चर्चा को आगे बढ़ाने के, अर्पित शुक्ला। अर्पित, ये मैच काफी रोमांचित है, कैसे आप देख सकते? बिल्कुल, इस सीजन जो है राजस्थान और गुजरात दोनों की बात करें तो दोनों के लिए काफी अच्छा रहा। दोनों टीमें टॉप फोर में है, जहाँ गुजरात पहले पायदान पे है तो वही राजस्थान भी चौथे नंबर पे है। तो दोनों टीमों का जो है मनोबल बढ़ा हुआ है। दोनों टीमें टॉप फोर में है, प्लेऑफ की रेस में आगे चल रही हैं। तो दोनों टीमों के लिए ये मुकाबला बहुत ही रोमांचक होगा और काफी दिलचस्प भी है, क्योंकि अगर बात करें पिछले मुकाबले की तो गुजरात भी अपना पिछला मुकाबला हार के आ रही है, और साथ ही बात करें अगर राजस्थान की तो राजस्थान भी अपना पिछला मुकाबला हार के आ रही है। तो दोनों के लिए काफी चुनौती होगी, काफी इम्पोर्टेंट मुकाबला है दोनों, क्योंकि प्लेऑफ की रेस में दोनों आगे चल रहे हैं। ऐसा कोई हार, अगर एक आध दो मुकाबले हार भी जाते हैं तो उनके प्लेऑफ में जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी जी। लेकिन फिर भी ये मुकाबला बहुत ही रोमांचक होने वाला है। जहाँ तक हेड टू हेड की बात करें अर्पित, तो ये दोनों के बीच में अभी चार मुकाबले हुए हैं, जिसमें से चार में से तीन गुजरात जीती है और राजस्थान एक। तो पलरा, अगर स्टैट की बात करें तो इसमें साफ दिख सकता है कि गुजरात आगे दिख रही है। बिल्कुल, क्योंकि पिछला सीजन भी हमने देखा था कि राजस्थान रनर अप रही थी, वहीं चैंपियन बनी थी गुजरात राजस्थान को हरा के। तो फाइनल हराया था पिछली बार, तो गुजरात आगे है ही, क्योंकि फाइनल जीत के पिछले साल के डिफेंडिंग चैंपियन है। वहीं राजस्थान को भी कम नहीं आंक सकते हम, क्योंकि राजस्थान भी पिछले साल की रनर अप है। इस साल भी लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। पिछले मैच की बात करें अगर मुंबई के इंडियंस, तो बल्लेबाज तो इनके कुछ ज्यादा चले नहीं थे, लेकिन यशस्वी जायसवाल का जो शतक था वो दिल जीत लिया था यशस्वी जायसवाल ने। और साथ ही बात करें तो इनके बॉलर्स चल नहीं रहे, क्योंकि 200 प्लस का स्कोर खड़ा किया बल्लेबाजों ने और वो 200 प्लस का स्कोर चेज हो गया मुंबई के अगेंस्ट। कुछ बॉलर खासा चले नहीं, तो इसकी वजह से, मतलब 200 प्लस का स्कोर बनाते अगर बल्लेबाज तो एक सेफ स्कोर लोग समझते हैं कि 200 प्लस का स्कोर है, एक सेफ है, बहुत ही मुश्किल से चेज हो सकता चेज होता है। लेकिन मुंबई ने उसे आसान बना दिया और राजस्थान को हार का सामना करना पड़ा। तो पिछले हार को भुला के इस मैच में बॉलर्स अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और राजस्थान इस जीत के साथ अपना सीजन का एक नए मतलब पायदान पर जाने की कोशिश करेगी। वैसे वो अभी अच्छा खेल रही है। जहां तक अभी तक बात किया जाए पॉइंट्स टेबल की अर्पित, तो अब तक गुजरात ने 9 मुकाबले में 6 मुकाबले जीतकर 12 अंक है। वहीं राजस्थान की बात करें तो 9 में से उन्होंने 5 जीतकर 10 पॉइंट है। तो ये टैली को भी देखें तो कहीं ना कहीं राजस्थान के लिए ये मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होने वाला है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। ये मुकाबला जीतेंगे तभी उनके प्लेऑफ में जाने की एक आस रहेगी। अर्पित, ये मुकाबला वैसे हार भी जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी वो जीत चुके हैं, उनके खाते में 9 में से 5 जीत है। तो 9 में से 5 जीत मतलब 4 हार, तो कुछ खास है नहीं, क्योंकि हम देखते हैं प्लेऑफ में जाते टाइम सभी टीमों के लगभग वही 16 पॉइंट 14 पॉइंट 16 पॉइंट या फिर 18 पॉइंट होते हैं। तो इनको ज्यादा से ज्यादा मतलब क्वालिफाई करने के लिए 2 से 3 मैच जीतने होंगे, 3 से 4 मैच जीत जाए अगर बचे हुए इनके 5 मुकाबले बचे हैं, उसमें से 1-2 हार भी जाते हैं तो ज्यादा कुछ असर पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि नेट रन रेट भी इनका बेहतर ही रहा है, बल्लेबाज अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो नेट रन रेट की चिंता नहीं होगी इनको। लेकिन हाँ, जीत इनकी जरूरी है ताकि आने वाले मैच में इन्हें दूसरे टीमों पर निर्भर नहीं होना पड़े, हर टीम चाहेगी कि अब यहाँ से हर मुकाबला जीतते हुए जीता जाए, सारी टीमें चाहेंगी, क्योंकि अभी तक कोई भी टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर नहीं है। सारी टीमें 10 की 10 टीमें प्लेऑफ की रेस में बनी हुई हैं सबसे, तो ये बहुत ही रोमांचक, मतलब 50 मुकाबले हो चुके हैं और सारी टीमें प्लेऑफ की रेस में अभी भी बरकरार है। तो ये बहुत ही रोमांचक मुकाबला आज का होने वाला है। मुकाबले से याद आया, आज हमारा रफ्तार प्रिडिक्शन है, तो गुजरात का जो प्लेइंग 11 है अर्पित, तो अर्पित लाने वाले संभावित 11 है, जिसमें हार्दिक पांड्या कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और उन्होंने अपनी टीम को काफी उत्साह भरा हुआ है, काफी प्रोत्साहन देते हैं, तभी तो वो पिछली बार के सीजन में अर्पित डिफेंडिंग चैंपियन रहा था, ऐसे ही नहीं रहा था। तो वही गुजरात की अगर संभावित 11 की बात करें तो रिद्धिमान साहा, हार्दिक पांड्या, विजय शंकर, डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, नूर अहमद, मोहम्मद शमी, मोहित शर्मा, जोशुआ लिटिल और शुभमन गिल, ये जो है ये संभावित 11 आज खेलती हुई नजर आ सकती है।
गुजरात के ये संभावित 11 अर्पित ने बताया जो कि इस मैच में आपको दिख सकती हैं, जो संभावित 11 हैं, और ये संभावित 11 के भरोसे में ही गुजरात एक जीत पाने की कोशिश करेगी। वहीं बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के यशस्वी जायसवाल, जिनका पिछला मैच काफी अच्छा रहा था, उसके साथ संजू सैमसन कप्तानी करते हुए नजर आएंगे अर्पित। उसके बाद डेविड पार्डिकल है, ध्रुव जुरेल है, सिमरन हेटमायर है, जिनका इस सीजन का काफी अच्छा रहा है। रविचंद्र अश्विन है, जैसन होल्डर है, ट्रेंट बोल्ट है, संदीप शर्मा है, युजवेंद्र चहल है, और कुलदीप सेन को मैंने अपने राजस्थान के जो संभावित 11 है उसमें हम जगह दी है अर्पित। जी बिल्कुल, ट्रेंट बोल्ट अगर इस मैच में खेलते हैं, ट्रेंट बोल्ट पावर प्ले में उनकी भूमिका बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि हमने देखा है कि जिस मैच में मतलब शुभमन गिल और रिद्धिमान साहा में से अगर कोई एक भी चल जाता है तो गुजरात जीत जाती है। तो इनके पहले जो पावर प्ले है, पावर प्ले में एक दो विकेट लेना बहुत जरूरी है, और ट्रेंट बोल्ट बखूबी जानते हैं कैसे विकेट लेना है, पावर प्ले के तो हीरो रहे हैं। अगर इस सीजन की बात की जाए तो इस सीजन भी मोहम्मद सिराज के बाद दूसरे बॉलर है जिन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट लिया है पावर प्ले में इस सीजन। तो ट्रेंट बोल्ट पे निगाहें होंगी कि पावर प्ले में किस तरीके से वो सामने वाली टीम को चकित करते हैं अपने विकेट लेके। तो ये मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है, गुजरात और राजस्थान दोनों सामने भिड़ंत होगी। जो आखिरी नफ्स को अपने कंट्रोल में करेगा अर्पित, वही ये मुकाबला जीतेगा। आपको ये रफ्तार प्रिडिक्शन अच्छा लगा हो और हमारा एनालिसिस अगर अच्छा लगा तो रफ्तार के सेक्शन में जाके अपनी राय दे, और चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और रहें हमारे साथ इसी तरह, ताकि हम आपको क्रिकेट जगत की हर खबर आपको सही समय पर दे सके। धन्यवाद।